जय जिनेंद्र, मैं प्रणव जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक परिचय के स्पेशल एडिशन में जो कि गुरु रत्नाकर जी पर आधारित है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनू जैन जी, जो कि लुधियाना से एक सुप्रसिद्ध गायक हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलवाता हूँ आपको सोनू जी के साथ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको पता है ये स्पेशल एडिशन जो है हमारे एक सीरीज चल रही है जो कि गुरु रत्नाकर पर आधारित है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रत्नाकर सूरी महाराज जी के साथ किस तरह से आपका मिलना हुआ और किस तरह से आगे गुरुदेव का आपको आशीर्वाद मिला। जयजिनेंद्र सबको जी, ऐसा है कि गुरुदेव के पास मेरा जाना और मेरा मिलना, पहले मेरे पिताजी जाते थे संक्रांति पे, तो उनके डेथ के बाद फिर सारे संक्रांति भाई कहने लगे कि वो जाते थे, अब तो उसकी जगह आप लो और आप भी हमारे साथ संक्रांति पे जाया करो। तो फिर मैंने उनके साथ संक्रांति पे जाना शुरू किया। संक्रांति पे जाना शुरू किया तो बस ऐसे ही उसके बाद फिर गुरुदेव के साथ ऐसा लगाव हुआ कि एक उनका गुरुदेव का ऐसा ऑरा है कि वो जैसे एक दूसरे को सबको अपनी तरफ खींच लेते थे ना। बस एक बार गए, उसके बाद फिर रूटीन बन गई, हर महीने संक्रांति पे जाना और चार चार महीने की एडवांस बुकिंग रहती थी हमारी गुरुदेव के पास जाना, क्योंकि गुरुदेव पहले बता देते थे चार महीने का पूरा कार्यक्रम की मेरी बुकिंग, मैं मतलब मेरी संक्रांति इस महीने के यहाँ, इस महीने के यहाँ, इस महीने के यहाँ, इस महीने की जगह, तो उसी हिसाब से आप अपनी बुकिंग करवा लो। तो हम उसी हिसाब से अपनी बुकिंग करवाते थे और गुरुदेव के पास हमारा ऐसे फिर एक रूटीन बन गई, रूटीन से जाना जाना बस गुरुदेव के पास। बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोनू जी परम गुरु भक्त भी हैं और बहुत ही सुंदर भजन लिखते भी हैं और गाते भी हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसा किस्सा गुरुदेव का जो आज भी आपके साथ मन में एक गांठ बनकर जुड़ा हुआ और आज भी आप उसको सोचते हैं तो आपके लिए एक सोच में आता है कि ये हुआ कैसे। देखिए ऐसा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर आज मेरी पहचान है मतलब लुधियाना में है चाहे लुधियाना के बाहर है जी, अगर कोई मुझको जानता है मेरे भजनों की वजह से, मेरे गाने की वजह से, तो सिर्फ गुरुदेव की कृपा है, वो गुरुदेव का आशीर्वाद है। क्योंकि मैंने कभी गाया नहीं था ऐसे, वैसे मैं तो थोड़ा बहुत आदमी वैसे गा लेता है। तो एक बात है संक्रांति की, सबसे पहले जो संक्रांति में मैंने भजन गाया वो थी खंबात में गुजरात में, तो हम सब संक्रांति भाई गए हुए थे, तो उन्होंने संक्रांति भाइयों ने मेरे को नहीं बताया, उन्होंने गुरुदेव को मेरा नाम लिखा दिया। तो गुरुदेव का एक जो काम था, गुरुदेव खुद अपने हाथ से सब कुछ लिखते थे कि मतलब अगर 2 घंटे की संक्रांति का कार्यक्रम है ना, तो उन्होंने अपने हाथ से लिखना भी ये इसका ये कार्यक्रम है, ये है ये है, इसको ये कराना है ये कराना है, मतलब जो भी ये करना है, मतलब एक फंक्शन का पूरा सीक्वेंस, फंक्शन का पूरा सीक्वेंस वो खुद लिखते थे, किसी को नहीं देते थे। और अपने लिखने के बाद वो हीराबाई थे बॉम्बे वाले, उनको दे देते थे अनाउंसमेंट करने के लिए, जो उनका टाइम की पंक्चुअलिटी थी, जो सिस्टम था, अभी इतने से इतने बजे खत्म करना है, बस उतने में ही 3-4 2 भजन होते थे, उसमें वही भजन होते थे। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया, ऐसे एक खंभात में बैठे हुए थे तो हीराबाई ने अनाउंस किया कि एक भजन सोनू जी गाएंगे। सोनू जी मैंने कभी गाया नहीं था, मेरे साथ ही मेरे कजन बैठे हुए थे सोनू की, वो फरीदाबाद वाले। अच्छा। मैंने उसको बोला कि भैया चलो जाओ, तो यार मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं गाया तो मैं कहाँ से जाऊंगा, वो तुम्हारे को बुला रहे हैं जी। मैंने कहा मेरे को बुला रहे हैं, तो मैं तो उठ के, जब हीराबाई ने दोबारा बोला सोनू जी आओ आप लुधियाना से, तो मैं गया गुरुदेव के पास, मैं गुरुदेव मैंने तो कभी इतने बंदों के बंदे काफी थे वहां, लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैंने तो कभी गाया नहीं। तो गुरुदेव कहते कोई बात नहीं आप मेरी तरफ देख के गाओ, तो टेंशन मत ले। तो मैंने वहां पर भजन गाया, तो मैं कहूँ गुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि गुरुदेव के आगे जो बाल्टी रखी होती थी ना वो मतलब बारने से भर गई नोटों की, क्या बात। और वो दिन है और आज का दिन है उसके बाद, कि मेरे को गुरुदेव अपने आप कहते थे सोनू तेरा एक भजन, एक मेरा होता था एक दीपक है जलंधर वाला उसका भजन होता था, एक अपना सुरेश जी पाटनी और 3-4 जो हम लोग जाते थे अपना 3-4 जनों के भजन जो होते ही होते थे गुरुदेव के पास। तो वो दिन मैं इसीलिए आज अगर मैं गुरुदेव के गुण गाता हूँ, गुरुदेव के भजन करता हूँ, मेरे पास गुरुदेव के कम से कम जो 15 से 20 भजन जो मैंने रिकॉर्ड करा रखे हैं और मैंने आगे लिखे भी हुए हैं गुरुदेव की, और जब तक जिंदगी है गुरुदेव के ही गुण गाएंगे।
तो गुरुदेव के पास अक्सर आपका आना जाना लगा रहता था जैसे आपने बताया, तो कोई ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ? गुरुदेव के पास तो आना जाना तो हर संक्रांति पे जाते थे, संक्रांति पे जाते थे। एक बात मैं बताता हूँ आपको, सूरत की बात है कि हम संक्रांति पे गए, संक्रांति कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हमारी ट्रेन थी रात के 10 बजे की, तो 10 बजे की ट्रेन थी, तो हमने कहा टाइम तो बहुत बड़ा है अपने पास, तो गुरुदेव 12 बजे तक तो फ्री कर देते थे हमारे को, 12:30 हमने कहा चलो ऐसा है 5-6 जने थे, चलो पिक्चर देख आते हैं। अच्छा। हम पिक्चर देखने चले गए, पिक्चर देख के आए वापस 5:30 बजे, तो हम गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव बोलते कहाँ से आए हो? हमने कहा झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, गुरुदेव के सामने झूठ बोलना तो हिम्मत नहीं पड़ती किसी की, तो हमने कहा भी गुरुदेव पिक्चर देख के आए, कहते चलो कोई बात नहीं पिक्चर देख के आए अच्छी बात है, खाना नीचे तैयार है खाना खाओ। हमने कहा गुरुदेव ऐसा है कि खाना ना अभी भूख नहीं है, तो कहते जितना खाना है उतना खा के आओ, पीछे खाना तैयार पड़ा है वो बना पड़ा है, जितना खाना है उतना खा के मेरे पास आ जाओ ऊपर। तो हमने खाना खाया, खाना खा के ऊपर आ गए, आधे लोग नीचे सीढ़ियों में खड़े रह गए, उनको पता था भी गुरुदेव ने बोलना है प्रतिक्रमण करो। तो हम गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव कहते ऐसा है अभी कपड़े उतारो वो धोतियां पहनो और यहाँ प्रतिक्रमण करना है। मैंने कहा गुरुदेव आधे लोग नीचे सीढ़ियों में खड़े हैं, कहते कोई बात नहीं उनको भी बुलाओ। उनको भी बुलाया, क्या हो गया कि धोतियां खत्म हो गई, तो गुरुदेव ने क्या बोला है कि ऐसे है धोतियां खत्म हो गई घबराओ मत, अपने अपने परने उतारो ऊपर के, उसको धोती बनाओ और यहाँ पर बैठो और यहाँ पर बैठ के प्रतिक्रमण करो। तो मतलब ऐसे थे गुरुदेव को, मतलब गुरुदेव को कोई नहीं था कि उनको ये इतना था कि जब आए हो मेरे पास इतनी दूर से चल के आए हो तो कम से कम आए हो तो उसका कोई लाभ लो ताकि प्रतिक्रमण करो, उनको ये बहुत अच्छा लगता था। ज्यादातर धर्म की क्रियाएं करो, उनका लगाव जो था वो उस चीज के साथ ज्यादा था। ठीक है, मैं समझता हूँ आप ही के बात से मैं जज कर रहा हूँ कि आपने पिक्चर देखी उन्होंने उसके लिए नहीं बोला, लेकिन उसके पैरेलल ही धर्म की भी क्रियाएं हूँ इसके लिए गुरुदेव ने। अब कई लोग तो दो चार लोग थे साथ में, वो कहते थे गुरुदेव हम भूखे नहीं रह सकते रात को, कहते कोई बात नहीं उसका भी इलाज कर दूंगा, धोती पहन के आ जाओ मेरे पास उसका भी इलाज कर दूंगा। तो ऐसे थे गुरुदेव, गुरुदेव की यादें हैं बस। अब एक किस्सा मैं आपको गुरुदेव का और बताता हूँ। बॉम्बे फोर्ट में चतुर्मास था गुरुदेव का, तो हम मैं था, हरजीवन जी थे गुराए वाले और राजीव जी थे नकोदर वाले, हम तीनों जाने थे। एक दिन पहले गुरुदेव के पास गए हुए थे, तो गुरुदेव बोले अब क्या करोगे? हमने कहा गुरुदेव बस इधर उधर घूम लेते हैं, तो कहते ऐसा है घूम ही लो कोई बात नहीं, पर पहले ऐसा है आप थाने में जाओ, थाने में नित्यानंद महाराज जी का चतुर्मास है, वहाँ जाओ गुरुदेव के दर्शन करके आओ। तो हमने कहा अभी गुरुदेव वहाँ पर दर्शन करने जाए, हम कहते हैं बिल्कुल जाओ, जाना भी चाहिए, गुरु हैं हमारे, गुरुदेव के दर्शन करने में क्या है, गुरु के दर्शन करने जाओ। और ऐसे थे गुरु हमारे कि मतलब उनको कोई भी मतलब किसी का ऐसा कोई विचार नहीं था कि वो जो आता था कहते गुरु कोई भी है सबको वंदन करो सबके दर्शन करो, ऐसे उनके भाव थे। ऐसे गुरु दोबारा कब मिलेंगे पता नहीं। तो गुरुदेव हमारे ऐसे थे कि पत्थर को भी हीरा कैसे बनाना है ये उन्हें ज्ञात था और बखूबी जानते थे। इसी तरह से इनकी भी कहानी कुछ इसी तरह से थी, नहीं आता था लिखना ना ही आता था भजन गाना, लेकिन आज की डेट में इस तरह से भजन गाते हैं कि आप अगर सुन लोगे एक बारी वाकई में रोंगटे तो खड़े होंगे होंगे, लेकिन रोना भी निकल सकता है। तो मैं इसी दौर पर आपसे सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि दर्शकों को कुछ ऐसा सुनाइए। देखिए ऐसा है कि भजन तो बहुत है गुरुदेव के जी, पर एक जो भजन जब गुरुदेव गए थे तब मैंने गाया था, तो वो आज भी अगर कोई सुनता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे गुरुदेव हमारे जो हमारे बीच में नहीं रहे। उसके लिए मैं 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त कहां थे हम, हर वक्त यही है गम, कहां तुम चले गए हो गुरुवर
चले गए। तुम रत्ना कर गुरु अरे हर दिल में बसते हो, हम धरती पे रोते हैं तुम स्वर्ग में हंसते हो। हम किससे करें अब बात, अब कौन हमारे साथ, कहां तुम चले गए हो गुरुवर चले गए, हाँ गुरुवर चले गए। बहुत बहुत सुंदर, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि अंबाले के अंदर 1 जुलाई को जो है प्रतिष्ठा महोत्सव गुरु का मंदिर बनने जा रहा है, क्या विचार साझा करना चाहेंगे उस पर? मैं तो यही चाहता हूँ कि गुरुदेव का मंदिर बनने जा रहा है, हम सबको गुरुदेव के इस जो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है सबको वहां पर जाना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव श्रीमद विजय धर्मचंद्र शिक्षक जी महाराज साहब का भी यही आदेश है कि हमारे गुरु के मंदिर की, गुरु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम सबको बढ़ चढ़कर वहां पर तन मन और धन से अपना योगदान देना चाहिए, हम सबको वहां पर पहुंचना चाहिए और गुरु की और अपने गुरुओं की शोभा को बढ़ाना चाहिए। हमारी सर शुभकामनाएं, इसी तरह से आप भजन लिखते रहें और हमें सुनाते रहें और इसी तरह से अपनी जो भक्ति है परम गुरु भक्ति है वो आगे भी सदैव निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि यदि शिष्य या गुरु भक्त अपने गुरु को सच्चे दिल से पुकारे तो गुरु को दर्शन देने आना ही पड़ता है। तो आइए हम सब मिलकर गुरु को पुकारते हैं 1 जुलाई को अंबाला शहर में। भक्तों का सौभाग्य गुरु का दर्श निहारना मेरे गुरु के।